अभी मेरे साथ हैं एनवी सर, ऑल्सो नोन एज नितिन विजय सर। अभी बिहार में आए हुए हैं पटना में, और यहाँ पर प्रमोशन है, कोचिंग है, उसका आज स्थापना हुआ है। सर कैसा लगा बिहार सर आपको? मैं बिहार तीसरी बार आ रहा हूँ, तीसरी चौथी बार आ रहा हूँ। वैसे मैंने जब मैं आईटी में था तो आईटी वाराणसी में था, तो वहाँ पे मेरी कोचिंग थी, तो वहाँ पे मैं बिहार में बक्सर है आसपास जगह ना, वहाँ पे पोस्टर लगाने जाया करते थे लई से, जब कॉलेज में थे तब। तो बिहार से मेरा बहुत अच्छा नाता रहा है, पर पटना तीसरी बार आ रहा हूँ। पहले दो बार आया तब बहुत खुश था, आज बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि खुद का सेंटर भी खुल रहा है। सर मैं भी गूगल पर सर्च भी कर रहा था सर, मैं सर्च मारा कि इंडिया का फिजिक्स का सबसे बेस्ट टीचर कौन है, तो यहाँ पर आपका नाम आ रहा था सर, नितिन विजय सर का। बहुत बहुत सौभाग्य की बात है, इतना प्रेम जब मिलता है तो कर्तव्य का भाव भी आता है। अब मेरा ये भी ध्येय है कि फिजिक्स का अध्यापक अच्छे होने के साथ साथ उसी स्तर के और बहुत सारे, क्योंकि एक अध्यापक सबको नहीं पढ़ा सकता, उसी स्तर के सभी सब्जेक्ट में अध्यापक होने चाहिए और वो प्रॉपरली इक्विप्ड होने चाहिए। मेरे को लगता है अब मेरा शिक्षाविद के रूप में वो भी एक ध्येय होना चाहिए, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ साथ। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि उसी स्तर के बहुत सारे शिक्षक होने चाहिए जिनमें वो जील हो, जो रियलिटी में शिक्षा को पैसे से नहीं बल्कि शिक्षा को शिक्षा के तराजू से देखें, वो ध्येय वो जान में लोगों में डाल सकूं, ऐसा मेरा ध्येय है। तो सर क्या कुछ होने वाले हैं सर यहाँ पर? जो भी कोटा में, हम कोटा की पेडागोजी, आप सभी लोग जाते हैं, ट्राइडेंट टेस्टेड है, मोशन जाना जाता है सिलेक्शन के लिए, हमारे सिलेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, कोटा की सोल में पढ़ाई है, पेडागोजी मोशन है, बोला जाता है सर मोशन है तो भरोसा है, मोशन मतलब सिलेक्शन मशीन। और 5,000 में से 2,700 सर जो है सिलेक्ट हुए हैं सर, इतना ज्यादा, इतना कम बच्चे में इतना ज्यादा सर, जो कि और जगह देखते होंगे कि यहाँ पर लाखों में छात्र भरे रहते हैं, 1,000 सिलेक्शन होते हैं, 2,000, पर इतना कम, इतना ज्यादा सिलेक्शन होना सर, ये एक मतलब बहुत ही बड़ा बात है। तो बिहार में सर क्या कुछ करने वाले हैं सर? जो कोटा में करते आए हैं, जिसकी वजह से कोटा में इतने सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वो सब कुछ अब पटना में करने वाले हैं। तो कोटा की 100% पेडागोजी हम पटना में अप्लाई करेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, एकेडमिक्स की हो, टीचर के स्तर को लेकर हो, कॉन्टेंट को लेकर हो, किट सिस्टम को लेकर हो, उनके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को लेकर हो, SPR को लेकर हो, एप्स को लेकर हो, जितनी चीज़ें कोटा में करते हैं वो सब पटना में मिलेंगी। सर का जो कोचिंग है पटना बोरिंग रोड में बीकानेर के सामने ओपन हुआ है, और मैं ये जानना चाहता हूँ सर, बिहार में, बिहार है सर, बिहार में बहुत सारे गरीब बच्चे भी होते हैं, नौरन बच्चे भी होते हैं, मतलब सारे तो अमीर नहीं होते हैं, तो सर उन लोग के लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये फी को लेकर अफोर्डेबल नहीं हो पाते हैं, तो उन लोग के लिए क्या कुछ करें? चार तरीके से बच्चे का फी वेवर मिल सकता है, उसकी 10th 12th या उसके स्कूल का टॉपर है तो उसके बेसिस पे उसको स्कॉलरशिप मिल सकती है, अच्छी खासी स्कॉलरशिप्स हैं, वो मोस्ट एग्जामिनेशन होता है मोशन का, उसको दे सकता है, उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलेंगी। हमने, क्योंकि पटना पहली बार आ रहे हैं बिहार के बच्चों के लिए, पटना सेंटर के लिए, हमने उसको थोड़ा और लिवरेज कर दिया है, परसेंटेज को थोड़ा सा और स्कॉलरशिप को बढ़ा दिया है। और उसके अलावा जो है MTSC का हमारा एग्जाम होता है वो कर सकते हैं, और लॉटरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जो स्कॉलरशिप दे सकते हैं वो पटना में इस बार देंगे, पैसा बाध्यता नहीं बनेगा। पर इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सबसे सस्ती कोचिंग का वादा मैं नहीं करता हूँ, सबसे टॉप क्वालिटी कोचिंग एट द मिनिमम प्राइस, इसका वादा करता हूँ, क्योंकि बिहार के लोग वैल्यू फॉर मनी की कद्र समझते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि अभी एनवी सर का इंटरव्यू चल रहा था, और इंडिया का नंबर वन टीचर एनवी सर, नितिन विजय सर, अब आपके पूरे टीम के साथ बिहार आ चुके हैं, तो अब तो धमाल होने वाला ही है। और मोशन के मतलब सिलेक्शन मशीन, आप लोगों को पता है कि 5,000 बच्चे थे, उसमें से 2,700 बच्चे, यानी 50% से भी ज्यादा सिलेक्शन हुआ, यानी कि हर बच्चे में से एक बच्चे से ज्यादा यहां पर सेलेक्ट हो रहे थे, क्वालिफाई कर गए, जेई में एडमिशन हो गया उनका। तो गूगल फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से आप लोग फिल करके इंक्वायरी, चाहे तो एडमिशन के लिए आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, और अपने सपने को साकार कर सकते हैं विथ मोशन एनवी सर के साथ।